हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल के लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन को कैसे चालू करें ताकि जब हमारा मोबाइल लॉक रहे, बंद रहे और कोई भी नोटिफिकेशन आए हमें पता चल जाए। तो इसके लिए मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है, फिर आएंगे थोड़ा नीचे तो यहाँ पर नोटिफिकेशंस या नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस नाम का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए शो ऐप ओनली, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो केवल जो ऐप का नोटिफिकेशन रहता है वही शो करेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है शो ऐप एंड नोटिफिकेशन कंटेंट, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, देखिए कोई ऐप का नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको मिलेगा और कोई दूसरा नोटिफिकेशन रहेगा वो भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसे चालू कर देना। फिर आ जाना है बैक। बैक आने के बाद अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। अब गाइस, अगर किसी ऐप का नोटिफिकेशन नहीं आता है, जैसे कि मान के चलिए कि व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई मैसेज किया कोई या फिर कुछ भेजा तो हमें पता नहीं चलता है, तो फिर देखिए क्या होता है, ऐप का नोटिफिकेशन बंद रहता है, तो आप उसे भी चालू कर सकते हैं। जैसे कि जो ऐप का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा उस ऐप पर लॉन्ग प्रेस करना है, टच करके रखना है, तो यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मैनेज नोटिफिकेशंस या नोटिफिकेशन नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से चेक कर लेना है, अगर इस तरीके से बंद रहेगा तो इसे चालू कर देना है। अभी इस ऐप का नोटिफिकेशन चालू हो चुका है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से आप चालू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।